वेलकम टू एस जे इंसेप्शन योर एक्वेरियम चैनल। आज का वीडियो जो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं पुणे में आया हूँ और इस वक्त मैं पुणे में जय हिंद एक्वेरियम के सामने हूँ। जैसे कि आपको पता है कि कुछ महीने पहले मैंने आपको इंडिया का सबसे बड़ा डिस्कस फिश फार्म दिखाया था और आज मैं उसी तरह एक आपको नया स्पेशल फिश फार्म दिखाने वाला हूँ जो कोई नॉर्मल फिश फार्म नहीं है, फ्लावरहॉर्न का फिश फार्म है। और आज का वीडियो इसलिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है तो आप बने रहिए इस पूरे वीडियो में। सबसे पहले हम जो जय हिंद फ्लावरहॉर्न फिश फार्म के ओनर हैं उनसे मिलते हैं सबसे पहले। बिफोर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द फ्लावरहॉर्न फिश फार्म वी वुड बी मीटिंग विद द ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्लावरहॉर्न फिश फार्म। सो हियर इज द ओनर ऑफ जय हिंद फ्लावरहॉर्न फिश फार्म मिस्टर अब्रार। सलाम वालेकुम भाईजान। हाय सर, हाउ आर यू? गुड गुड। तो अब्रार भाई, सबसे पहले आप क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया करना चाहूँगा जी, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर पुणे में मेरे फार्म को शूट करने के लिए आए। और उसके साथ में स्पेसिफिकली तो ये फार्म स्टार्ट करने के लिए जिन दोस्तों ने मेरी मदद की है मैं उनको थैंक्स करना चाहूँगा। सबसे पहले रॉबिन भाई, टीम UFA, नकुल गांधी, तमाम एडमिन्स जिन्होंने मेरे ये फार्म सेटअप करने के लिए ताकि हर हॉबीज तक हम रीच कर सके और हर हॉबीज को हम एक अच्छी क्वालिटी का फ्लावर दे सकें विद इन द रेंज, तो उनके लिए ये चीज़ फार्म सेटअप किया हुआ है। और वो फार्म सेटअप मैं आपको अभी दिखाता हूँ कैसे जी। तो अब्रार भाईजान, सबसे पहले आप हमारे व्यूवर्स को क्या बताना चाहेंगे कि आपके फ्लावरहॉर्न फिश फार्म में हमें बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, क्या ऐसा चीज़, क्या मतलब बेसिकली स्पेशलिटी आपकी? स्पेशलिटी तो दो चीज़ों में है, यानी जो मेन ब्रीडर्स है हमारे कोसावी और गुड मचाई जी, ये हमारे टॉप के दो ब्रीडर्स हैं जिनके हम फिशेस लाते हैं और हम सेल करते हैं। ओके। ऑल ओवर टचवुड, ये ऑल ओवर इंडिया में हमारे अलावा और किसी के पास नहीं मिलेगा। एक मैं और मेरा पार्टनर राजकुमार, ओके, ये हमारी टीम है, हम उस टीम के मेंबर्स हैं और ये हमारे पास ही मिलता है जी। ये अगर आप डायरेक्ट भी चाहेंगे तो भी नहीं ला सकते हैं जी। और ये कैसा, ये हॉबी है मेरी, इस वजह से ये स्टार्टअप किया ताकि हॉबीज़ को अच्छी चीज़ दे सकूँ विद इन अ गुड रेंज जी। तो मेरे ख्याल से अब हमारे व्यूवर्स को आपका फ्लावरहॉर्न फिश फार्म दिखाने का समय आ गया है, तो क्या हम दिखा देते हैं? श्योर। So make sure you stay tuned till the end of the video to watch the quality of the flowerhorn fish that are available at Jai Hind Fish Farm that is located in Pune. So presenting the amazing flowerhorns that are available at Jai Hind Aquarium flowerhorn fish farm that is located in Pune. सबसे पहले हम आपको इनके सारे खूबसूरत flowerhorns दिखा देते हैं, आप इनकी क्वालिटी देख सकते हो। हम अब्रार भाई जो ओनर है जय हिंद एक्वेरियम के उनसे बात करेंगे इसके बाद, जो हमें हर एक फ्लावरहॉर्न के बारे में बताएंगे, उनके डिस्क्रिप्शन के बारे में बताएंगे, उनकी थोड़ी बहुत जानकारी देंगे और उसके बाद हम इनके बारे में डिटेलिंग जानेंगे कि फ्लावरहॉर्न में क्या देखना चाहिए, क्या चीज़ ढूंढते हैं एक्वेरियम हॉबीज़ फ्लावरहॉर्न में, वो सब चीज़ हम इसके बाद बात करेंगे। तो ये सारे खूबसूरत फ्लावरहॉर्न्स जो जय हिंद फ्लावरहॉर्न एक्वेरियम फिश फार्म में अवेलेबल हैं फॉर सेलिंग। और जैसे कि आप इनके फ्लावरहॉर्न्स के आप हेड को देख सकते हो, जो सारे के सारे हेड्स काफ़ी एस्टेब्लिश्ड हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर एक फ्लावरहॉर्न जो यहाँ पे अवेलेबल है, हर एक फ्लावरहॉर्न की जो हेड जो फॉर्म हो चुकी है और एक भी हमें ऐसा नज़र नहीं आ रहा है जिसकी जो है हेड जो प्रॉपरली फॉर्म नहीं हुई है। तो यही इनका रीज़न है कि ये जो है क्वालिटी में बिलीव करते हैं और यहाँ पे इनकी क्वालिटी आपके सामने है। हर एक फ्लावरहॉर्न की आपको एक एस्टेब्लिश्ड फॉर्म्ड हेड दिख रही है। और यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत फ्लावरहॉर्न है, यू कैन जस्ट लुक एट दैट हेड। यू कैन जस्ट लुक एट द साइज ऑफ द हेड, जो उसका जो हैम्प है काफ़ी बड़ा है।
तो अबरार भाई के पास आपको ऐसे सारे कमाल के फ्लावरॉन्स मिलेंगे जिनकी हेड काफ़ी बड़ी होगी साइज़ में, और आप इसकी साइज़ भी देख सकते हो एज़ कम्पेयर टू द बॉडी साइज़ इट हैज़ मेंटेन्ड अ प्रिटी ह्यूज हेड। हियर इज द अनदर हम्पी हेड फ्लावरॉन। I'm not a flowerhorn specialist, but I can understand one thing, that this particular flowerhorns that are available at this fish farm are qualifying all the three factors, that is size, shape and the color. और यहाँ पे जो ये फ्लावरहॉर्न है इसकी आप हेड की ग्रोथ देख सकते हो, काफ़ी डिफाइन है, काफ़ी खूबसूरत है, और जो इसकी क्वालिटी दर्शा रही है कि काफ़ी फाइन हाई क्वालिटी का फ्लावरहॉर्न है ये, जो इसकी खूबसूरत हेड से पता चल रहा है हमें। यू कैन जस्ट लुक एट दैट पर्टिकुलर हेड दैट दिस पर्टिकुलर फ्लावरहॉर्न इज अटेन्ड। So Mr. Abrar, the owner of Jain Aquarium Flowerhorn Fish Farm, deals in quality flowerhorns. ऐसे इनके पास सारे फ्लावरहॉर्न्स हैं जिनके काफ़ी अटेंड हेड्स हैं, जैसे कि ये आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे ये सारे इनके पास बेबीज हैं, और आप इनके साइज़ के ऊपर देख सकते हो कि ये हार्डली 1 से 2 इंच के बेबीज़ हैं, फिर भी इनकी जो हेड की साइज़ है वो काफ़ी काफ़ी एस्टेब्लिश्ड है, काफ़ी फॉर्म्ड है, काफ़ी प्रॉपर है, और ऐसी साइज़ हमें देखने को मिलती नहीं है काफ़ी आसानी से, क्योंकि बेबीज़ जो होते हैं वो हम नॉर्मली जो देखते हैं बेबीज़, उनकी जो है हेड तो आई हुई रहती नहीं है, पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनके जो है बेबीज़ को भी काफ़ी हेड आया हुआ है, तो उसके ऊपर आप अंदाज लगा सकते हो कि इनकी जो साइज़ जब बढ़ेगी तो इनकी जो हेड का जो फॉर्मेशन होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा, वो आप इनके ये पर्टिकुलर साइज़ के ऊपर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और मैं आपको एक और एक पीछे से एक व्यू दे देता हूँ इनका। और यहाँ पे और भी सारे बेबीज़ हैं, और इनकी भी सभी की हेड जो है ऑलमोस्ट आ गई है इस साइज़ में, जो कि अक्सर देखने को मिलती नहीं है हमें यूजुअली। और इससे आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत है। तो यही फिश फार्म की स्पेशलिटी होती है कि उनके पास जो है क्वालिटी की फिशेस अवेलेबल होती है। ये वाली फ्लावरहॉर्न आप देख सकते हो यहाँ पे, जो इसकी हेड की मार्किंग्स भी है काफ़ी डेफिनेट है, और जिसके ऊपर इसकी क्वालिटी की हमें पता चलता है। तो इसकी जो हेड की मार्किंग्स आप देख सकते हो, जो प्रूफ दे रही है इसकी क्वालिटी की। और यहाँ पे और भी काफ़ी सारे फ्लावरहॉर्न्स हैं इनके पास। मैं आपको सिर्फ एक ग्लिम्स दे देता हूँ इनका, क्योंकि It wouldn't be possible to cover each and every flower on. From small size to medium size to big size, सारे flower ons, जिसमें भी आपको छोटे से बड़े आपको यहाँ पे सभी मिल जाएंगे, जिसमें भी आपको जो भी साइज़ में आपको दिलचस्पी है वो सभी आपको इनके पास मिलेंगे। सो यू कैन जस्ट लुक एट देयर क्वालिटी।
तो जैसे कि आपको यहाँ पे आप क्वालिटी इनकी देख सकते हो, जहिंद एक्वेरियम में आपको सारे क्वालिटी के फ्लावरॉन्स मिलेंगे। जो फ्लावरॉन की आप तलाश में हो जी, जो एक हॉबीस्ट एक फ्लावरॉन जो ढूंढता है, जो फ्लावरॉन में हेड, उसका शेप, उसकी साइज, उसकी बॉडी, वो सब आपको जहिंद एक्वेरियम फिश फार्म में आपको मिलेगी। इन सारे फ्लावरॉन्स की आप क्वालिटी देख सकते हो, ये काफ़ी सेटल्ड है, क्वारंटाइंड है। क्योंकि आप इनके जो हेड है उसको देख सकते हो कि इतने कम साइज में इनकी जो हेड एस्टेब्लिश्ड हो गई है, प्रॉपर फॉर्मेशन आ गया है, जो कि बहुत कम नज़र आता है। यू कैन सी द शेप ऑफ द हेड एट दिस पर्टिकुलर साइज, वी डोंट गेट टू सी यूजुअली इन एनी अदर शॉप। That's why most of the hobbyist, shopkeepers, wholesalers prefer to buy flowerhorn or any other fish from a fish farm. The reason behind it is that a fish farm maintains the quality of that particular fish that they are keeping or they are dealing with. ये जो सारे चीज़ है, जो सारे flowerhorns है वो आपके सामने है, सभी की क्वालिटी आपको आपके सामने दिख रही है। तो अभी मैं आपको इनके फ्लावरॉन्स की एक क्विक ग्लिम्स दे देता हूँ, क्योंकि अगर हम इनके सारे फ्लावरॉन्स आपको दिखा दें तो मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबा एक्सटेंड हो जाएगा, और इसके बाद हम अब्रार भाई से भी बात करेंगे इनके फ्लावरॉन्स के बारे में, जो मेरे ख्याल से हमें काफ़ी अच्छे से बता पाएंगे इनके फ्लावरॉन्स के बारे में। And I have noticed one thing, that all these particular flowerons are well settled and not even a single one of them is under stress or which is not comfortable. All of them are well settled and comfortable in their tanks. जो एक indication है कि इनको काफ़ी अच्छे से रखा गया है और काफ़ी अच्छे से इनको quarantine किया गया है। और यहाँ पे और भी काफ़ी सारे फ्लावरॉन्स हैं। तो अभी आपको मैंने सारे इनके फ्लावरॉन्स दिखा दिए हैं, तो अभी बात आती है मेन टॉपिक के ऊपर, जो इन सारे प्यारे फ्लावरॉन्स के ओनर है अब्रार भाई, उनसे हम बात करेंगे, इनके फ्लावरॉन्स के बारे में जानेंगे और थोड़ी बहुत जानकारी भी हासिल करेंगे इनके फ्लावरॉन्स के बारे में और बेसिक फ्लावरॉन कीपिंग के बारे में। सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो टू नो एवरीथिंग अबाउट दिस ब्यूटीफुल फ्लावरॉन्स एट जय हिंद फ्लावरॉन फिश फार्म। तो अभी हम बात करते हैं जय हिंद एक्वेरियम फ्लावर ऑन फिश फार्म के ओनर से, मिस्टर अब्रार भाई से। तो अब्रार भाई, बहुत से लोगों को जो है अभी जानना है आपसे कि आपके फ्लावर ऑन फिश फार्म के बारे में, तो मैंने जो है आपके सारे फ्लावरॉन्स का एक ग्लिम्स दे दिया है सारे व्यूवर्स को। अब बात आती है कि सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप बताएं कि क्या है जय हिंद एक्वेरियम फ्लावर ऑन फिश फार्म। आप क्या बताना चाहेंगे जय हिंद फ्लावर ऑन फिश फार्म के बारे में, कि ये कभी स्टार्ट किया आपने और इसमें आप क्या, बेसिकली आप कौन से फिश में, कौन से फ्लावर ऑन फिश में डील करते हैं, क्या बताना चाहेंगे आप? सबसे पहले ये 2016 के अंदर, ओके, 2015 में हमारा मुंबई में यूएफए इंडिया का कंपटीशन हुआ था जी। उस कंपटीशन के बाद जो उसके एडमिन्स हैं नुपुर गांधी और सारे तमाम दोस्त लोग, मेरे करीबी दोस्त हैं जी, तो हम लोग बैठ कर यही डिस्कस कर रहे थे कि आज के डेट में भी हॉबीस्ट को एक पीस, दो पीस, पाँच पीस, दस पीस में से चूज करना पड़ता है। ओके,
तो वो चीज जो है उस हॉबीस्ट के लिए कैसा है, जब वो गोल्ड खरीदने के लिए जाता है तो 100 पीसेस का ऑप्शन रहता है चूज के लिए जी। जब वो नॉर्मली फ्लावरन जैसे फिश खरीदने के लिए जाता है तो वो एक या दो पीसेस में से क्यों चूज करे जी? तो वो हॉबीस्ट के लिए एक वाइल्ड रेंज का जो है वो ऑप्शन क्रिएट करना था। ओके, तो मेरे दोस्तों ने सजेशन दिया था कि हम लोग जो है वो फ्लावरन फिश फार्मिंग के बारे में सोच सकते हैं। ओके, फिर मेरी सारी टीम नुपुर गांधी और यूएफए एडमिन्स जितने भी है सब तमाम एडमिन्स पूना आए। पूना में आने के बाद मैंने जगह लोकेट की, मेरे दोस्त रॉबिन भाई उन्होंने उनके घर के नीचे बेसमेंट में मुझे जगह दी। ओके, और वहाँ पर उन्होंने पूरा सेटअप हमने बनाया। सारे यूएफए एडमिन्स के जो व्यूज थे, राय थी, उस राय के अकॉर्डिंगली मैंने वो फार्म डेवलप किया वहाँ पर। वो मेरा पीपी फार्म है जिसे मैं आपको शूट करने के लिए लेकर जाने वाला हूँ। जो आज आप फिशेस देख रहे हैं ये मेरी गुड़मचाई की होलसेल ग्रेड है। ये जो मेरी थाईलैंड मेरे जो पार्टनर्स है राजकुमार और जो मेरे थाईलैंड के ब्रीडर है, मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जो है हमेशा टॉप ऑफ द टॉप क्वालिटी के माल दिए है, फिशेस दी है। और हम लोग से ब्लड लाइन में बिलीव करते हैं। बिलीव का रीज़न ये है कि अगर क्वालिटी अच्छी है तो आप कुछ भी खिलाइए, सादा खाना भी खिलाते हैं तो रिजल्ट काफ़ी प्यारा मिलता है और फिशेस काफ़ी अच्छे से बिकती है। तो ये जो हिंद के बारे में एक छोटा सा इंट्रो था जो मैंने आपको बताया जी। तो भाई मुझे अभी आपसे पूछना है कि आप कौन से फ्लावरहॉर्न्स में डील करते हो बेसिकली? बेसिकली एसआरडीज के अंदर जो है, एसआरडी यानी सुपर रेड ड्रैगन करके आता है जी। ये एसआरडीज की सारी ब्रीड्स है, ये मेरा होलसेल कंसेप्ट है। ट्रिपल ए ग्रेड के फ्लावरहॉर्न्स है मेरे। ये ट्रिपल ए ग्रेड मीन्स क्या है, जब ब्रीडर ब्रीड करता है तो उसमें जो क्वालिटी वो फाइंड करता है, हर पीस जो है वो ट्रिपल ए ग्रेड का नहीं रहता है जी। तो वो सेलेक्ट करता है, कुछ पीसेस निकालता है और वो पीसेस जो है ट्रिपल ए ग्रेड के जो है वो हम लोग खरीदते हैं और हमारे कस्टमर्स को देते हैं, हॉबीस्ट को देते हैं। ओके, अभी जैसे आप इस पीस की खूबसूरती देखते हैं जी, ट्रिपल ए ग्रेड मीन्स क्या, कलर, मार्किंग, हेड, एवरीथिंग। आज पीस देखिए आप, पीस कितना प्यारा सेटल है जी। ये जो है ये प्रॉपरली वे में क्वारंटाइन किया हुआ हेल्दी फिश है। Okay. जैसे एक हॉबीज लेने के बाद जो है अनेक ऐसा है, सेटल पीस रहता है, क्वारंटाइन रहता है, डीवर्म किया हुआ रहता है। Okay. हर एक चीज का उसका प्रोसीजर जो है वो प्रॉपरली करके हम सेल करते हैं जी। भाईजान मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा कि बहुत से जो व्यूवर्स हैं उनको क्वारंटाइन का मतलब पता नहीं, आप शॉर्ट में बता दीजिए कि क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है। बेसिकली बहुत से लोग बोलते हैं कि क्वारंटाइन फिशेज जो होती है हेल्दी होती है, तो क्या मतलब होता है उसका? सबसे पहली चीज़ देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब थाईलैंड से वो फिश निकलती है जी, वहाँ पर वो एक अलग साइज़ में रहती है, अलग शेप में रहती है, प्रॉपर शेप में रहती है, लेकिन ट्रैवलिंग जो स्ट्रेस रहता है वो स्ट्रेस निकालने के लिए हम लोग क्वारंटाइन करते हैं। क्वारंटाइन करने के लिए हम लोग बहुत सारी मेडिसिन यूज़ करते हैं, स्ट्रेस रिलीफर, स्ट्रेस हील जी, और बहुत सारी मेडिसिन है, वाटर चेंजिंग रहती है, बहुत सारी चीज़ें रहती है जो हम करते हैं उसके ऊपर मेहनत। और ये एक दिन दो दिन में नहीं निकलता है, हमें इसके लिए एक वीक का टाइम लगता है जी। एक वीक में पीसेस का स्ट्रेस निकल जाता है और फिर एक वीक हम उसे रखकर जो है वो हेल्दी सेटल करते हैं, डीवॉर्म करते हैं अगर किसी को ज़रूरत है तो जी, और उसे जो है उस हिसाब से हम तैयार करते हैं। ओके, तो जब भी हमारा कंसाइनमेंट आता है, कंसाइनमेंट के आने के बाद 15 डेज का हम होल्ड रखते हैं पीसेस को, और 15 डेज के होल्ड के बाद ही हम सेल पर निकालते हैं, तब जाकर जो है आपको पीसेस प्रॉपरली वे में क्वालिटी में दिखते हैं। ओके, और मैं देख रहा हूँ कि आपके पास जितने भी सारे फ्लावरहॉर्न्स हैं, जितने भी अभी तक मैंने देखे हैं, सारे के सारे जो है मतलब हेल्दी हैं, उसके बाद सेटल्ड है, और सबकी जो है साइज, शेप, सब कुछ जो भी फैक्टर्स है सबके मेंटेन्ड है। तो जैसे कि यहाँ पे भी आपके जो ये फ्लावरहॉर्न है इसकी जो हेड है काफ़ी काफ़ी ज़्यादा है, पहले तो आप इसके बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत कम देखने को मिलता है ऐसे फ्लावरहॉर्न्स जिनकी काफ़ी बड़ी हेड ग्रोथ है। ये जो मेरे जो थाईलैंड के पार्टनर है, मेरे जो ये है, ये उनकी सीरीज का कमाल ही है। ओके, कि उनके जो फिशेस है वो वन ऑफ द बेस्ट ब्रीडर्स में आते हैं जी। इनके फार्म से मेरे पास फिशेस आते हैं, 2 फार्म्स के फिशेस है जी, एक कोसावी फिश फार्म और एक जायंट फ्लोरन फिश फार्म थाईलैंड के जो है, वो दोनों की क्वालिटी जो है वो अमेजिंग रहती है। और मैं सिर्फ क्वालिटी पे बिलीव करता हूँ, प्राइस टैग पे काम नहीं करता। मेन चीज ये है कि फिश जो है सुपीरियर क्वालिटी की रहनी चाहिए। अब जैसे इस फिश के अंदर आप देखते हैं, ये अभी भी उसके एक्चुअल लुक में नहीं आया है। Okay. ये वन ऑफ द हाफ है अभी, उसकी जो साइज आप हेड की साइज देख रहे हैं वो आधी खुली है, अब तक खुला नहीं है। ओके, मतलब और खुलेगी, ये अभी बच्चा है। ओके, 3 इंच की साइज है इसकी, बॉडी साइज है। Okay. और इसका एक्चुअल जो थाईलैंड से निकलते वक्त का वीडियो है वो भी मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको वो दिखा दूंगा। ओके, इसके हेड की साइज उससे डबल है। ओके,
जो इसका साइज है, और ये ऑलरेडी सोल्ड है गुजरात के लिए जी। हाँ तो भाईजान, अभी मुझे आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछना है जो एक्वेरियम हॉबीज से रिलेटेड है। एक्वेरियम हॉबीज के मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं फ्लावर ऑन फिश को के रिलेटेड, तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी आप इतना बड़ा फ्लावर ऑन फिश फार्म चला रहे हो, तो मुझे बेसिकली आपसे बेहतर मुझे लगता है कि कोई अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा, इसलिए मुझे आपसे जानना है, आपसे पता करना है कि अगर एक एक्वेरियम हॉबीस्ट को इंटरेस्ट है फ्लावर ऑन में, तो उसे क्या देखकर फ्लावर ऑन खरीदना चाहिए, क्या देखना चाहिए एक फ्लावर ऑन में खरीदने से पहले? सबसे पहली चीज़ तो है कि वो हेल्दी है नहीं है। सबसे पहले हम लोग हमारे हर हॉबीस्ट को ये सजेस्ट करते हैं, जो शॉपकीपर्स भी आते हैं, सबको यही कहते हैं कि जो फिश पर आपका दिल आ जाए, जब आप देखते हैं आपको प्रॉपरली वे में हेल्दी लगती है, खेल रही है, खा रही है, सब बराबर है, तब उस फिश को लेना चाहिए। उसमें देखते वक्त आप ये देखना चाहिए कि कहीं उसे ब्लोट ना हो, क्या उसका ज़्यादा पेट फुला हुआ नहीं रहना चाहिए, उसे अगर मान लीजिए डिजीज़ है क्या, कुछ वाइट स्पॉट्स हो गए, फंगस वगैरह कुछ हो गया, अगर ऐसी कोई चीज़ भी आपको नज़र आती है तो नहीं लेना चाहिए उस फिश को। जैसे आप जो भी फिश को मेरे देख रहे हैं, मेरे फिश या किसी के भी फिशेस को आप जब देखते हैं, तो वो देखने के बाद जो है उसमें एक एक्टिवनेस नज़र आनी चाहिए जी। अगर मान लो वो एक कोने में पड़ा हुआ है, डल है, तो उसमें कोई सेंस नहीं बनता है उसे लेने में, राइट। और जब भी आप फिश लेते हैं, फिश लेने के बाद जो है आपको पहले दिन उसे खाना नहीं फीड करना है। अच्छा। पहले उसे आपके घर पर सेटल होने देना है जी। जब वो आपके इधर सेटल हो जाएगी, फिर उसके बाद जो है उसका फीडिंग स्टार्ट करना है, वरना नॉर्मली हॉबीज क्या करते हैं, आज लेकर आया, आज से ही उसको जो है वो पहलवान बनाने के चक्कर में लग जाते हैं, जो गलत है जी। और मैं जैसे कि देख रहा हूँ यहाँ पे आपके जो सारे फ्लावर ऑन्स है, काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी वेल सेटल्ड है टैंक में, काफ़ी खूबसूरत है सारे के सारे। कुछ सीक्रेट टिप है आपका जो इतने सारे हेल्दी आपके फ्लावर ऑन्स हैं, ये आपकी मेहनत है? मेहनत है, मेडिसिन है। ओके, सबसे पहली चीज हॉबीस्ट को ये सजेशन रहेगा, लोकल जो मेडिसिन है उसके चक्कर पे भरोसा मत कीजिए। आप अच्छी चीज खरीदिए, अच्छा फूड खरीदिए, अच्छी मेडिसिन खरीदिए, डीवर्म उनको प्रॉपर ई टाइम टू टाइम किया कीजिए। ओके, आप जब एक फिश को डीवर्म करते रहते हैं जी, तो वो यानी कैसा है, हेल्दी रहती है। ओके, आप जब उसे डीवर्म नहीं करते हैं तो वो हेल्दी नहीं रहती जी। अभी आप देख रहे हैं मेरे सारे फिशेस मेरे हाथ के इशारे पर नाचती है, खेलते हैं, तो ये उनकी एक्टिवनेस है जी। अगर मान लीजिए वो स्ट्रेस में रहेंगे तो वो एक कोना पकड़ कर बैठेंगे, दबे रहेंगे, डरे रहेंगे जी, जी। और उनकी जान के साथ में भी खतरा रहता है, तो आप पहले उन्हें जो है अच्छी मेडिसिन अपने पास रखिए, अच्छा फूड रखिए, और ये सारी चीज़ें जो है टाइम टू टाइम मेडिसिन कीजिए। और जिसको भी अगर कोई कंसर्न आता है हॉबीस्ट को जी, और कुछ तकलीफ आ रही है, उसने मुझसे खरीदा है या नहीं खरीदा है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। लेकिन मैं बेसिकली फ्लावरन हॉबीस्ट हूँ, और अगर मान लीजिए किसी हॉबीस्ट को कोई भी फ्लावरन कंसर्न के बारे में कोई तकलीफ है, तो वो एनी टाइम मुझे कॉल कर सकता है, मैं 100% उसे अवेलेबल रहूँगा हेल्प करने के लिए जी। और मैं व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि जय हिंद फ्लावरन फिश फार्म का नंबर, यानी कि अब्रार भाई का नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया जाएगा, अगर आपको इंटरेस्टेड है इनके कोई भी फ्लावर ऑन में, तो आप अब्रार भाई से बात कर सकते हैं, उन्हें कॉल कर सकते हैं, आपको अब्रार भाई पूरी तरह से सहायता करेंगे। अगर आपको किसी भी फ्लावर ऑन फिश में इंटरेस्टेड है, तो अब्रार भाई का नंबर जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और अब्रार भाई जो है ऑल ओवर द इंडिया, पूरी इंडिया में डिलीवरी देते हैं बिल्कुल। और बहुत से फ़ोन्स आते हैं, कॉल्स आते हैं, कि बहुत से लोग पूछते हैं मुझे कि डिलीवरी जो है जम्मू कश्मीर में नहीं होती है, या जो ईस्टर्न स्टेट से वहाँ पे नहीं होती है, तो क्या अब्रार भाई वहाँ पे भी आप डिलीवरी दे सकते हैं? बाय ट्रेन जहाँ तक जाती है ट्रेन जी, बाय फ्लाइट जहाँ पर फ्लाइट जाती है ओके, वहाँ तक आप डिलीवरी दे सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं। मतलब हमारे व्यूअर कहाँ से भी ऑल ओवर इंडिया में अगर कोई कांटेक्ट करता है, तो उसमें कोई इश्यूज नहीं है। okay. बट उसमें ये है कि जो फिश के बाद जो रहता है, वो फिश का जो डिलीवरी चार्जेस रहते हैं, तो जो मुझे यानी कैसा, जैसे आप ट्रेन से ले रहे हैं तो मुझे रेलवे को पे करना है जी। आप अगर फ्लाइट से ले रहे हैं तो मुझे कार्गो को पे करना है जी, जी। तो जो कार्गो को पे करना है अमाउंट, उसके अंदर हम 1 रुपये भी हमारा कट नहीं रखते हैं। ओके, वो डायरेक्ट जो रिसिप्ट पर अमाउंट आता है, आपको वो अमाउंट पे करना रहता है। ओके, और अब्रार भाई के पास फ्लावर ऑन के बेबीज भी अवेलेबल है, काफ़ी लोगों को बेबीज चाहिए रहती है, कुछ लोगों को जो है मैच्योर स्टेज, एडल्ट स्टेज चाहिए रहती है, तो
आपके हर एक नीड के अनुसार, हर एक रिक्वायरमेंट के अनुसार इनके फ्लावर ऑन फिश फॉर्म में हर एक साइज़ की फ्लावर ऑन अवेलेबल है। आपको जिस भी साइज़ में इंटरेस्टेड है उस साइज़ को आप बेशक खरीद सकते हैं, इनसे बाय कर सकते हैं। आपको सिर्फ इनका नंबर डिस्क्रिप्शन से लेके इनको कॉल करना है और आपकी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप तक डिलीवर की जाएगी। तो यहाँ पे अपरार भाई के पास काफ़ी खूबसूरत फ्लावर ऑन फिश के बेबीज़ हैं और बहुत से एक्वेरियम हॉबीज जो है वो फ्लावर ऑन बेबीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं परचेज करना, बाय करना। तो अपरार भाई, सबसे पहले आप हमें आपके बेबीज़ के बारे में बताइए। मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी बेबीज़ मैंने आज तक देखे हैं, मैंने टू बी ऑनेस्ट उनके हेड देखे नहीं है, प्रॉपर हेड आया नहीं रहता है, पर आपके जो है बेबीज़ को भी काफ़ी एक अच्छा हेड फॉर्म हुआ है, हम्प आया है। तो क्या कहना चाहेंगे आपके फ्लावर ऑन बेबीज के बारे में आप? सबसे पहली चीज तो ये है, ये नॉर्मल एसआरडीज नहीं है। ओके। जैसे मैंने आपको कहा कि मेरा जो सेकंड फार्म, जो मेरे दूसरे ब्रीडर है थाईलैंड के जी, पोसावी करके जी, तो ये पीपी ब्लड लाइन के बेबीज है, ये ऑर्डिनरी एसआरडीज नहीं है, ये पीपी ब्लड लाइन के है। ओके। इसमें मेन चीज कैसे, मेरा इंटेंशन है कि मैं हॉबीस्ट के रीच में अपनी हॉबी को लाऊं। ओके। और मेरी खुद की बेसिकली ये हॉबी है, सेलिंग से पहले मेरा इंटेंशन हर चीज की ये रहता है कि मैं पहले ट्राई करके खुद देखूं कि उसके रिजल्ट्स क्या है जी, और उसके बाद फिर मैं वो चीज अपलोड करता हूँ, सेलिंग के लिए लाता हूँ जी। तो ये मेरा टेस्टिंग पीरियड था कि एक पेरेंट्स के मैंने फिशेस मंगाए जी, और वो मैंने चेक की कि रिजल्ट्स कैसा है, तो ऑलमोस्ट 90% सारे पीसेस को मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है। ओके। तो वो चीज के अकॉर्डिंगली हर एक हॉबीज के रीच में होनी चाहिए हॉबी। ओके। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने जो है अभी ये कंसेप्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, ताकि हर एक हॉबीज, अगर उसका बजट 500 रुपए भी है जी, तो भी उसे जो है वो फ्लावर ऑन अच्छी क्वालिटी का मिलना चाहिए। मेरा इंटेंशन वही है, बाकी कुछ नहीं है जी। तो ये जो बेबीज है ये पीपी ब्लड लाइन के बेबीज है। ओके। इसी में जो है, मैं जो नॉर्मली हमारे एसआरडीज आते हैं उसके बेबीज के ऊपर भी वर्कआउट चालू है। ओके। जो नेक्स्ट प्लॉट के अंदर मेरा आ जाएगा। ओके। अभी अबरार भाई, मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है यहाँ पे। मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं, उसमें मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं अपने फ्लावर ऑन को कौन सा फिश फूड दूँ जिससे उसका हेड आए, उसकी कलर अच्छी हो, रिटेन हो, क्योंकि बहुत से लोग कन्फ्यूज्ड हैं। मार्केट में बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है फिश फूड, तो बहुत से लोग कंफ्यूज है, पूछते रहते हैं मुझे कि कौन सा अच्छा फिश फूड दें। आप क्या सुझाव देंगे, क्या सजेस्ट करेंगे उन सब? सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए वो ब्लड लाइन अच्छी है जी, तो आप नॉर्मल भी फूड खिलाएंगे तो रिजल्ट अच्छा निकलेगा। ओके। अगर वो चीज़ उसके ब्लड लाइन में नहीं है, उसके जिन में नहीं है जी, तो आप उसे हीरा भी खिलाएंगे तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। ओके। तो हम लोग बेसिकली जो है वो ब्लड लाइन प्रीफर करते हैं। ओके। उसके साथ में हम ऑर्डिनरी फूड्स जो है, लोकल फूड जो है, ओके, वही खिलाते हैं। तो यानी अगर हमारी फ्लावर ऑन जो हम लेते हैं वो अगर अच्छी क्वालिटी के हो, तो यानी फिश फूड अगर खिलाएंगे कोई भी तो अच्छा असर पड़ेगा। आप नॉर्मल फूड भी खिलाएंगे ना तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप उसके अंदर मत जाइए, सिर्फ क्वालिटी अच्छी रहनी चाहिए। ओके। ब्लड लाइन अच्छी रहनी चाहिए, ब्लड लाइन अच्छी है तो बेफिक्र रहिए फिर आप। ओके। तो यहाँ पे सारे फ्लावर ऑन के बेबीज हैं और आप जैसे कि देख रहे हो कि सभी बेबीज को हेड जो है हम जो है आ चुकी है इस स्टेज में, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। और लगभग बहुत सारे जहाँ पे भी हम शॉप्स में देखते हैं कि आई हुई नहीं रहती है, तो यहाँ पे इनके सारे बेबीज़ को हेड जो है आ चुका है, यानी कि जो इंडिकेशन है कि इनकी जो इनके पास जो है काफ़ी अच्छी फ्लावर ऑन की क्वालिटी है। जो एक्वेरियम हॉबीज जो ढूंढते क्वालिटी फ्लावर ऑन की, वो इनके पास अवेलेबल है। सो हियर इज मिस्टर अबरार। तो भाईजान, बहुत से लोग जो होते हैं उनको जो है जाननी होती है कि प्राइसेस क्या होती है फ्लावर ऑन्स की, या कोई भी फिश मैं कवर करता हूँ तो उनको बेसिकली प्राइसेस जाननी होती है। तो आप क्या बताना चाहेंगे प्राइसेस के और में रेट्स के बारे में? देखिए ऑनेस्टली वे में, जैसे मैंने आपको बताया मेरे पास इतने पीसेस हैं जी, और आपने शूट भी किए हैं उन पीसेस को, पीपी ब्लड लाइन का प्राइस अलग रहता है, गुटमचा सीरीज का प्राइस अलग रहता है, बस वेरिएंट है क्वालिटी के अंदर। ओके। और सारे भी जो भी आप चूज करते हैं वो पॉकेट फ्रेंडली है जी। आपको सिर्फ मुझे ये बताना है कि आपका रेंज क्या है और क्या रेंज में आप ढूंढ रहे हैं। ओके। जो मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ हॉबीस्ट के लिए कर रहा हूँ। ओके। अगर कोई हॉबीस्ट मुझे फोन करके बोलता है मेरा रेंज सेगमेंट ये है जी, तो मैं उसे उस रेंज सेगमेंट के अंदर जो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीस निकाल कर दिखा सकता हूँ। ओके। और एक नहीं, मैं 5-6 वेरिएंट उसके सामने रखूंगा कि ये आपके रेंज में फिक्स होते हैं जी, और आप उस रेंज के अकॉर्डिंगली जो आपको पसंद आता है वो आप चूज कर सकते हैं जी। मतलब हॉबीज को खाली जो भी आपके पास कॉल्स आते हैं बायर्स को, खाली उनकी रेंज बतानी है, या उनको जो भी फ्लावर ऑन में इंटरेस्ट है
वो उसको बताना है, आप उसके हिसाब से उसे गाइड करेंगे। अभी जैसे जो पूना के हॉबीइस्ट है, मैं उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पूना के अंदर ये इतना बड़ा यूनिट मैंने खोला हुआ है, जी जी, तो वो पर्सनली आकर देखे ओके कि क्या क्वालिटी है, क्योंकि जब आज आप पर्सनली देखते हैं तो आपको पता चलता है सारे पीस कैसे है। जी, हर पीस का मैं वीडियो निकाल कर अगर आपको भेजूंगा तो उसमें अलग बात होती है, आप देखेंगे तो आपको मजा आएगा। जो पुणे के हॉबीइस्ट है, जी, मेरी उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि वो आकर फार्म पर विजिट करें। जी, और जो बाहर के हॉबीइस्ट है वो सिर्फ एक कॉल कर दे और आपकी बजट जो प्राइस है जी, आप ये रेंज में देख रहे हैं, उस रेंज के अकॉर्डिंगली मैं उसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीस दूंगा। ओके, पहली चीज हमारी जो पुणे वाले व्यूअर्स के लिए, आप आपकी एग्जैक्ट लोकेशन बता देंगे कि कहाँ पे आती है। शॉप पाषाण में है जी, पाषाण नियर दत्त मंदिर ऑपोजिट ऑरेंज लाइफ कॉम्प्लेक्स। ओके, और जो हमारे आउट ऑफ पुणे या आउट ऑफ महाराष्ट्र के व्यूअर्स है उनके लिए आप ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल, वो जैसे उनकी ऑप्शन है, या फ्लाइट से लेना चाहिए या ट्रेन से लेना चाहिए, राइट? बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन, बाय बस, जो भी अवेलेबिलिटी है वो अवेलेबिलिटी से कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो भाईजान, थैंक्स अ लॉट फॉर inviting us to shoot your wonderful flower on fish farm. Thanks a lot. और मुझे बहुत मजा आया आपके flower on fish farm shoot करके। जी, अभी जस्ट आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में एक बात हिट हो गई है, मैं वो आपसे कहना चाहता हूँ। जी, SJ के जितने भी व्यूअर्स है जी, मैं उनसे पर्सनली ये कहूंगा कि जब वो मुझे कॉल करे तो SJ का रेफरेंस दे। जी, मैं मेरे एंड से, मेरी टीम के एंड से मैं ये चीज करूंगा उनके लिए कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीस पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में तो दूंगा जी, ही दूंगा जी, बट उसके साथ में लोगों को जो है फूड और फूड के साथ में डिवर्मिंग मेडिसिन, ये मेरी तरफ से, जय हिंद की तरफ से कॉम्प्लीमेंटली रहेगा। बहुत बढ़िया भाईजान, जी जी, बहुत बढ़िया। आई थिंक इसके बाद जो है एक्वेरियम हॉबी को आप बहुत ही प्रमोट कर रहे हो, हॉबी को ही प्रमोट जी जी, और ये जानकर बहुत खुशी हुई कि बहुत से कम लोग है इसके अंदर जो प्रमोट कर रहे हैं एक्वेरियम हॉबी को, और आप जो है मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि आप इसमें आप फॉरवर्ड आके ये काम कर रहे हो, तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्लीज जी, तो ये था वो पूरा फिश फार्म जो पुणे में पाषाण में लोकेटेड है, और जो पुणे के व्यूवर्स है वो यहाँ पे अगर उन्हें इंटरेस्ट है तो ये देखने को, इनके फ्लावरॉन्स देखने को आ सकते हैं, और जो आउट ऑफ पुणे या आउट ऑफ महाराष्ट्र के जो व्यूवर्स हैं, अगर आपको इनके फ्लावरॉन्स में दिलचस्पी है तो आप भाईजान के नंबर के ऊपर कॉल करके इनसे पूछ सकते हो इनके बारे में। अबरार भाई विल गाइड यू रिगार्डिंग द पर्टिकुलर फ्लावर ऑन दैट यू आर विशिंग टू बाय। सो दिस वॉज टूडेज वीडियो अबाउट द जय हिंद एक्वेरियम फ्लावर ऑन फिश फॉर्म दैट इज लोकेटेड इन पुणे। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग एनी पर्टिकुलर फ्लावर ऑन, द नंबर इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन कॉन्टैक्ट मिस्टर अबरार। सो दिस वॉज टूडेज वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो डू इट द थम्स अप बटन एंड मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड टू वॉच सम मोर अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज कमिंग सून ऑन SJ Inceptions. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।